सब्सक्राइब टेक्निकल फ्रिक्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और क्या फिल्म चल रहा है? सब बढ़िया। आज मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ एक क्लिक में कैसे ऑडियो को स्टार्ट कर सकते हो। आपके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, आप चाहते हो रिकॉर्ड करना, आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि कोई आपका फ़ोन चेक करेगा और लेके भी देखेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो जाता है। सिर्फ एक टैप में ऑडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा और दूसरे टैप में ऑडियो रिकॉर्ड बंद हो जाएगा, तो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा आपने क्या रिकॉर्ड करा क्या नहीं। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे टेक्निकल फ्रिक्स यूट्यूब चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए। हमारे आसपास कई बार ऐसी बातें चलती है जो हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। काफ़ी बातें तो सीरियस होती है, काफ़ी बातें ऐसे मज़े की होती है, बट जो पहला सवाल आता है लोग पूछते हैं कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम आम तरीके से जो नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते हैं तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि लॉक स्क्रीन करो या कुछ भी करो आपको दिख ही जाता है रिकॉर्डिंग हो रहा है और लोग जाके वहीं चेक करते हैं कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। जो आज मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, एक क्लिक करना और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपका फ़ोन लेके भी नहीं बता पाएगा, जिसने वीडियो ना देखा हो, ये ट्रिक ना पता हो, लेके भी नहीं बता पाएगा आपके फोन में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपको एक टैप करना, फिर कुछ दिखाई गई नहीं, आप लॉक करके सिंपली फोन कहीं भी रख सकते हो, अपने जेब में रख सकते हो और रिकॉर्ड होता रहेगा, और फिर दूसरे टैप में वो बंद हो जाएगा। तो आपके लिए करना क्या है, इस चीज के लिए आपको अपने फोन का गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है अराउंड साउंड ऑडियो रिकॉर्डर। अराउंड साउंड भी सर्च करोगे, जैसे सर्च करा तो आप जो स्क्रीन में देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना, जिसमें एयर टाइप का आइकन बन रखा है, कान टाइप का, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ ही MB की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद इसको करना है ओपन। जब पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये मतलब कुछ परमिशंस मांगेगा इसको रन करने के लिए। परमिशंस से पहले आपको स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा आप किस लिए मतलब कैसे मतलब रिकॉर्ड करना चाहते हो, ताकि अपना वो एक्सपीरियंस सुधार पाए। तो जैसे आपको जो करना देख लेना, अदर कर देना, मैं अदर करके स्किप करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये साइन इन मांगेगा, साइन इन पे आपको साइन इन विद गूगल करना है, अपने जो गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर देना है। साइन इन होने के बाद फिर ये मांगेगा परमिशंस। परमिशंस में आपको देना है माइक का परमिशन, क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आपको देना है डिवाइस स्टोरेज का परमिशन, क्योंकि ये रिकॉर्ड करके रखेगा। फिर आपको देना है लोकेशन का परमिशन, क्योंकि वो दिखाएगा भी कि किस लोकेशन से आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, अलाउ कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, और जो इसका यूज़र इंटरफेस है काफ़ी अच्छा सा लगता है, मिनिमल सा है और काफ़ी अच्छा है, जो आजकल मॉडर्न टाइप का। यहाँ आपको मोर में जाओगे तो आपको जनरल सेटिंग्स मिल जाएगा, आपको 600 मिनट फ्री मिलता है, उसके बाद अपग्रेड कराना पड़ेगा। 600 मिनट बहुत होता है। अब रिकॉर्ड करना, फिर ट्रांसफ़र करके डिलीट कर देना। यहाँ आपको डार्क मोड मिल जाता है, डार्क ब्लैक ये सब मिल जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्वालिटी, यहाँ तीन मिलेगी, हाई मीडियम लो। लो होता है वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के लिए, मीडियम होता है कन्वर्सेशन स्पीच के लिए, हाई होता है लाइव म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए। आप कुछ भी कर देना, मीडियम कर लेना या मैं हाई कर देता हूँ। हाई करने के बाद कि उसके बाद बाकी सेटिंग्स आएगा। उसके बाद क्लाउड सिंक आएगा, अगर आप क्लाउड में सिंक करना चाहते हो। उसके बाद बैकअप और सिंक के लिए आप वाईफाई या डाटा प्लान, जो दूसरा ऑप्शन है, वो कर देना, क्योंकि अगर वाईफाई से भी ना कनेक्ट हो आपका मतलब सेव होता जाए। उसके बाद आपको साउंड रिकॉर्डर नॉर्मल सा मिल जाएगा, यहाँ लाल सा बटन मिलेगा, आप रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और येलो कलर का पिन मिलेगा, ये पिन इसलिए होता है कब कोई इंपॉर्टेंट बात शुरू या ख़त्म होती है तो आपको पिन कर देना है, कि बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ये बातें हुई थी, यहाँ से मतलब ये चीज़ था इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद आपको मतलब सेव कर देना है। फिर आपको कुछ करना क्या, आपको अपने नोटिफिकेशन पैनल में जाना है, वहाँ नोटिफिकेशन पैनल को एडिट करना है। आपके फ़ोन में अलग सेटिंग्स होगा पर आपको पता ही होगा, यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा दो ऑप्शन, ऐड पिन और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग और ऐड पिन दिख जाएगा, आप दोनों को ड्रैग करके प्लेसमेंट कर देना उनका। दोनों को ड्रैग करोगे तो आप कहीं भी प्लेसमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे सामने स्क्रीन में कर देना है, मतलब फ्रंट में करना है, या दूसरे मतलब दूसरे उसमें करना है, क्योंकि कोई सामने भी नोटिफिकेशन बार स्लाइड करे तो पता ना चले। आप यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और दिखाएगा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ से आप पिन वगैरह डाल सकते हो, फिर यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। वहाँ जाके देखोगे तो फिर से वहाँ की रिकॉर्डिंग हो चुका है। बट इसमें एक दिक्कत क्या है, जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, बट इसको आप
इस ऐप के सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाना है इस ऐप के, और नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देना है। फिर इसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, रिकॉर्डिंग होगा। फिर स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और पिन डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप कभी भी कुछ भी बात रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको शेयर करना है तो आपको कलेक्शन में जाना है, वहाँ एक फोल्डर बनाना है। जैसे न्यू कलेक्शन में जाकर फोल्डर बना सकते हो, उसके बाद इसमें साउंड ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने साउंड ऐड कर दिए, उसके बाद आपको शेयर सेटिंग में जाना है। शेयर सेटिंग में जाके प्राइवेट से विजिबल टू ग्रुप पे ओके कर देना। थोड़े टाइम बाद ये ओके हो जाएगा। उसके बाद आप शेयर करोगे तो कहीं से भी शेयर कर सकते हो, लिंक बन जाएगा। अब जैसे मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, दूसरे फ़ोन में भेजा, दूसरे फ़ोन से ओपन करूँगा तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल जाएंगे। मतलब काफ़ी मतलब वैसे टाइप का हो गया, जैसे वी ट्रांसफर टाइप का काम हो गया। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप मतलब अपने किसी की बात को नॉर्मली रिकॉर्ड करना चाहेंगे, आपको तो पहले जाना होगा अपने वॉइस रिकॉर्डर पे, वहाँ आपको वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना पड़ेगा। उसको आप बैक करोगे तो बोलेगा डिस्कनेक्ट करना है, कैंसिल करना है, सेव करना है, ये झंझट है। फिर अगर आप होम बटन दबा देते तो इसमें भी ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लॉक भी कर देते तो कोई खोलेगा तो दिख जाएगा कि लॉक स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मतलब ये सब भी आप बंद कर देते हो, लोग पहले वॉइस रिकॉर्डर चेक करते हैं कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। तो ये सबसे आसान है कि यहाँ फ़ोन उठाओ, बस नोटिफिकेशन बार में एक बार टैप करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जहाँ मतलब कुछ आपको मार्क करना हो तो पिन ऐड कर सकते हो, टैप कर देना। उसके बाद आपको जाके वहाँ सारे पिन वगैरह दिख जाएंगे कि क्या रिकॉर्ड हुआ, कहाँ आपने पिन प्रेस करा। बस यही था वीडियो में, आपने देखा हमने कैसे एक क्लिक में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये काफ़ी लाइफ सेविंग हो सकता है, कई बार ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है। मैं भी करके रखता हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए किसकी बात रिकॉर्ड करने का। ये आसपास बहुत सारी चीज़ होती है तो सही होता है रिकॉर्ड कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कुछ पूछना हो या नए वीडियो का सजेशन देना तो नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बस इतना ही, मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में जल्द। बाय।